तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग से कलर को कोई वैल्यू और कलर के बीच में कोरिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि किसी सेल पे मुझे अगर कलर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसी पे यहां से कलर करना है, तो मैं कलर कर दिया। अभी सेल में क्या वैल्यू है इस कलर को कोई इससे मतलब नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है। So, हम ऐसा करना चाहते हैं कि जब हम कलर करें तो हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग, सेल वैल्यू में जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेट हो, दैट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट सर। अब चलिए करते हैं। अब इसका जरूरत क्यों है? जैसे कि आपके पास एक डेटा है, आप डेटा में आप जस्ट चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी में, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी है, तो ऐसा बोला गया है कि 50 से ऊपर वाली क्वांटिटी जो है मेजर होती है, तो आपको मेजर मेजर क्वांटिटी सेल देखने के मेजर सेल क्या है, तो आंखों से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, 33, 56 ढूंढना पड़ेगा ना आपको सर, थोड़ी तो सी दिक्कत होगी ढूंढने में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ गए। तो इसमें देखिए ध्यान लीजिएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना, हाईलाइट करना है। तो मैं अपने कई सारे कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज में हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेटा और इन डुप्लीकेट वैल्यू है। तो पहले हम ग्रेटर देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन सिलेक्ट किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नंबर आ जाता है, आप इस नंबर को डिलीट करके मैंने यहाँ पे 50 कर दिया। अब जो जो 50 है उस पे देखिए एक डिफॉल्ट कलर हो गया, बट मैं चाहता हूं कोई और कलर, तो यहीं पे आपको येलो ग्रीन है, यहीं पे आपको ग्रीन फिल है, यहीं पे आपको राइट रेड है, और यहीं पे आपको रेड टेक्स है। अब आपको लगा कि नहीं, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं, तो यहां आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाएंगे। कहां जाएंगे? कस्टम फॉर्मेट। अब यहां पे आपके सामने है नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। अब मैं कलर चूज कर लेता हूं, जो फॉर्मेटिंग देना चाहे, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग देते हैं वो फॉर्मेटिंग आप दे दीजिए, एंड ओके कर दीजिए। तो आपका अब जो है आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि 50 से बड़ा कौन है। और दूसरी चीज, अगर अब मान लीजिए कि अपडेट भी होगा 69 है और बाद में क्या हुआ कि 16 हो गया, तो आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और मान लीजिए 36 के जगह पे 63 हो गया, इसमें फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या होता है, सेल्स को हाईलाइट करना, ताकि हम जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट को देखना चाहते हैं सबसे पहले वो दिखे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेजर यूज समझ में आ गया कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे हम। सर ये टेक्स्ट पे भी हो जाता है ना? जी हाँ, सब पे होगा, मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको। और पूरी रो करनी हो तो ठीक है सर, मैं धीरे बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, बस सीक्वेंस लेके चलते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन तीन चीजें हैं, ये आप नंबर और डेट एंड टाइम पे कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर को बड़ा, जैसे आपने बोला ग्रेटर देन किसी नंबर को बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा, लेस देन किसी नंबर से छोटा उसको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे अपना हाईलाइटिंग नंबर डालिए जो भी हाईलाइट करना चाहते हैं, और यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर लीजिए, हर किसी के लिए सेम है। और बिटवीन मतलब कि टू नंबर्स के बीच क्या, भाई मुझे 20 से 50 के बीच में चाहिए, हाईलाइट हो जाएगा। तो नंबर पे काम किया, और काम करता है डेट एंड टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि आपने डेट डाला हुआ है, अब आपको डेट हाईलाइट करना है, तो किसी डेट से बड़ा, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 सितंबर आ गया, आप यहाँ पे 24 जैन भी डाल सकते हैं, 24 जैन, तो उससे बड़ा हाईलाइट हो गया, फॉर्मेटिंग आप यहां से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बात आती है कि बिटवीन, लेस देन, ऐसी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। बट इसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, इरो, लेस देन, क्योंकि ये जो लॉजिकल हमारा सिंबल होता है लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिर्फ नंबर्स की यूज होता है, या फिर डेट डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम की यूज होने का पर्पस ये है,
हमने आपको पेस्ट स्पेशल में समझाया था कि डेट भी एक तरह का नंबर ही होता है। ओके, अब हम टेक्स्ट की बात करें तो इक्वल डू सब पे काम करता है। मान लीजिए मुझे अगर क्वार्टर वन को हाईलाइट करना है तो इक्वल टू क्वार्टर वन हाईलाइट हो जाए। मुझे मान लीजिए यहाँ पे 10 जनवरी हाईलाइट करना है तो इक्वल टू 10 जन राइट हो गया। अब मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, स्केप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो अप्लाई ओके कर दूंगा तो रहेगा, पर मैं स्केप कर दे रहा हूँ ताकि कई सारे अप्लाई ना हो जाए। यूरोप यहाँ पे हमने यूरोप कर दिया इक्वल टू, तो जहां ना यूरोप है वहां हाईलाइट हो गया। तो इक्वल टू में होता है एग्जैक्ट सेल्स वैल्यू, जो एग्जैक्ट है उसी को हाईलाइट करेगा, राइट सर। अब बात आती है कि एग्जैक्ट करने में क्या होता है कि कभी भी दिक्कत होता है, जैसे ये देख लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, अब कहीं कहीं पर सिर्फ अमेरिका लिखा होता है। तो मैं चाहता हूं कि नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या अमेरिका, तीनों हाईलाइट होना चाहिए, राइट सर। तो अब क्योंकि अगर मैं इक्वल टू मुझे ऐसे मुझे तीन बार अप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, हो सकता है कि अलग अलग और भी बहुत सारे अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, और भी बहुत सारे अमेरिका लिखा हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने यहां पे टेक्स्ट दैट कंटेन कर दिया, टेक्स्ट दैट कंटेन में हमने लिख दिया अमेरिका, ठीक है। जो जो सेंटेंस जो वर्ड में लिख रहा हूं वो जिस जिस सेल में मिल रहा है उस सबको हाईलाइट कर रहा है। तो जो वर्ड यहां आप कंटेन में लिखेंगे वो किसी के साथ हो या अकेला हो वो हाईलाइट तो करेगा ही करेगा, ए टेक्स्ट दैट कंटेन कर रहा हूं। ऐसे मान लीजिए निश्चित में हमने यहां पे FI कर देता हूं, FI फाइनेंस रिलेटेड हो गया, ओके कर दीजिएगा तो हाईलाइट रहेगा, कैंसिल कर दीजिएगा तो हट जाता है। सर एक चीज बताइए, इसमें जो आपने जो दिया है ना ये टेक्स्ट वाला that contains, इसमें मोर देन वन वर्ड लिख सकते हैं, लाइक से अमेरिका कॉमा, अब जो लिखेंगे, नहीं 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 वो नहीं, नहीं एक ही अच्छा। लिखेंगे वही होगा, ओके ओके ठीक है ना, वो अलग अलग वर्ड है तो आप अलग अलग कंडीशन आप परमिटिंग अप्लाई करनी पड़ेगा, एक सेल पे कई सारे कंडीशन परमिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ना कि हमने टेक्स्ट दैट कंटेन में गया और हमने इसे कर दिया साउथ, राइट, इसका कलर सेम रखा, फिर इसी के ऊपर हम एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किए और इसमें लिख दिया नॉर्थ। अब इसमें चाहो तो कलर सेम रखें या कलर को चेंज कर दें, ओके ठीक है सर। यस सर, थैंक्स। अब ये हटाने के लिए मैं क्लियर रूल्स फॉर एंटायर सीट या सेक्टर से इसको हटा सकता हूं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है डेट ऑफरिंग। अब डेट ऑफरिंग थोड़ा सा देखिए क्या हुआ, मैं एक काम करता हूं, डेट का चेंज करता हूं। अब डेट ऑफरिंग में जैसे मान लीजिए कि मुझे आज की डेट हाईलाइट करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इक्वल टू आएंगे और यहां पे आज की डेट दे देंगे तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी, लेकिन तो फिक्स हो जाएगा ना कि आज का डेट ही हाईलाइट होगा, क्या सर। मुझे चाहिए कि मेरे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता रहे, मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहां पे आपके सामने आएगा डेट ऑफरिंग। डेट ऑफरिंग में डेट डालने की जरूरत नहीं होती है, ये आपके सिस्टम डेट से पिक कर लेता है, समझे।
सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो फ्री नहीं हुई, मैं कुछ कर नहीं रहा था, किसी ने मैसेज किया देख रहा था थोड़ा सा। ये तो बच्चे इंटरव्यू में है ना सर, तो बोले कि सर मैसेज करूंगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टुडे हो गया, टुमारो हो गया, द लास्ट 7 डेज हो गया, लास्ट वीक हो गया, दिस वीक हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, दिस मंथ हो गया और नेक्स्ट मंथ। तो ये आपके सिस्टम है, टुडे आपने कर दिया तो आज ये आपने 1 जुलाई है, आप उसको ओके कर दीजिए, कल जैसे ही ओपन कीजिएगा तो 2 जून होगा, परसों 3 जून होगा, ऐसे आ लगे। तो सिस्टम डेट से लिंक होता है ये डेटा, ओके। और कलर फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक अगला ऑप्शन आता है यहां पे, डेटा के बाद डुप्लीकेट। अब मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपके डेटा में कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिएगा, जो भी डबल होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग एक सेल पे करके दिखाऊं, मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल नंबर में यहाँ लिखना चाहता हूँ या अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे कोई नंबर डबल हो मुझे पता चल जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन जो नहीं है बिना सिलेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे गया एंड ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे 1 टाइप किया, कुछ नहीं हुआ, मैं अगेन 1 टाइप करूंगा तो दोनों 1 हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमने 2 टाइप कर दिया या आपने 3 टाइप कर दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 हो गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं 2 को रिपीट करूंगा 2 हाईलाइट होगा, 3 को रिपीट करूंगा 3 हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने 1 कर दिया तो देखिए यहाँ पे तीनों 1 हाईलाइट हो गया। तो जो भी नॉट ए डुप्लीकेट मतलब ऐसा नहीं कि दो बार है, मोर देन 1 टाइम, ओके। ये आपका डुप्लीकेट कर देगा। तो हाईलाइट सेल्स रूल में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेटर देन, हमने सीखा लेस देन, हमने सीखा बिटवीन, हमने सीखा इक्वल टू, हमने सीखा टेक्स्ट दैट कंटेन, हमने सीखा डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप लोग बताएं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ सर, एक चीज बाकी जो समझ में आ गया है, अगर कुछ ऐसा बता सकते हैं इसी में कि खाली एक रखना है बाकी हटाने हो, कुछ है उसका तरीका? देखिए उसके लिए आपको डुप्लीकेट वैल्यू मतलब कि यहाँ पे होता है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू डेटा मेनू। अच्छा डेटा, ये रहा आपका रिमूव डुप्लीकेट एंड याद रखिएगा ए जो है, अगर ऐसा करते हैं इसमें और भी डेटा होगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर के साथ नेम वगैरह और भी चीजें हो तो ऐसा कीजिए, वो हाईलाइट नहीं रिमूव करेगा क्योंकि वो फिर उस पूरी इंक्वायरी को डुप्लीकेट दिखेगा, ठीक है ना। उसके केस में क्या है, उसके केस में आपके पास एक और तरीका है जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उसको अप्लाई कीजिए। सर इसमें एक हाईलाइट और बता दीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, कि जैसे सपोज ये वाली हमारे पास जो अकाउंट नंबर ही लेट्स से 1 2 3 जो भी है, हमने जो भी लिखा है पूरी रो अगर हाईलाइट करानी हो तो मैं बताऊंगा। इसमें बताइए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या, वो देखिए जो प्रॉब्लम है ना हम बता देंगे आपको, बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? नहीं सर, वेरी फाइन। आपको सर इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपने कोई भी आपने फॉर्मेटिंग ली है, इसमें आपने जो रेफरेंस डाला है वो सेम सेल ही है? हाँ हाँ, तो सिलेक्ट किया है जो सिलेक्टेड है वही उसी पे कंडीशन अप्लाई होगा। अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कॉलम है, इसके अंदर मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक बजट है, हाँ, और वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। Okay. हम बता रहे हैं आपको इनबिल्ट फीचर, कस्टमाइज कंडीशंस के लिए हम फॉर्मूला वाले चैप्टर में चलेंगे तब बताएंगे आपको, अभी ही बताएंगे तो थोड़ी देर बाद। इसमें कोई क्वेरी नहीं है उसके अलावा। अब बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेटा है और आप अपने डेटा में ये देखना चाहते हैं कि टॉप 10 सेल्स कौन कौन है, राइट? तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए टॉप बॉटम में, टॉप 10 वो वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट 79 89, और टॉप 10 के जगह पे और भी चेंज कर सकते हैं।
जैसे मान लो टॉप 10 उठाना है आपको, तो आपने टॉप 10 किया, ओके कर दिया, अब फिल्टर आप लगाएंगे, फिल्टर कहाँ से लगाएंगे, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया है, ये फिल्टर का शॉर्टकट, और हम यहाँ पर फिल्टर बाय कलर क्या करेंगे, फिल्टर बाय कलर, ये हमारे टॉपर्स है। और बोलेंगे सर हमने तो टॉप 10 हाईलाइट किया था, बोले तो 14 है, तो क्या है कि एक नंबर कई बार रिपीटेड है तो वो भी हाईलाइट के अंदर आ जाए, ओके। और टॉप 10 के जगह पे आप टॉप 15 टॉप 16 भी कर सकते हैं। उसी तरीके से टॉप 10 के बाद हम बात करें यहाँ पे बॉटम 10 की, तो जो बॉटम 10 है मतलब सबसे लो है वो आपका हाईलाइट कर देता है। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे टॉप 10% एंड बॉटम 10%, ये जो है परसेंटाइल फॉर्मूला से कनेक्टेड है, तो आगे जब हम कुछ क्लासेस बाद जब परसेंट फॉर्मूला का चैप्टर लाएंगे उसे परसेंटाइल फॉर्मूला बताएंगे तो मैं इसको बता दूंगा, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। अब बात करते हैं अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब देखिए सिलेक्टेड सेल है इसका एवरेज 51 है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि ये बताओ कि अच्छी एमआरपी कौन सी है। अब प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई बेंचमार्क डिफाइन हो गया, हाँ 50 से बाद वाले को अच्छा माना जाता है, 50 से बनिस वाले को लोअर माना जाता है, तो यू कैन ट्राई कि हाँ भाई ये 50 से बड़ा वाला अच्छा है, बट आपको कोई बेंचमार्क नहीं दिया गया है, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हम यहां पे ये करते हैं, उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां अब हम एवरेज कर देंगे, मतलब इसका जो एवरेज है जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने 31 कैलकुलेट किया है वो 31 से ऊपर वाले कौन कौन से, और बिलो एवरेज जो 31 से नीचे वाला है वो कौन कौन, ओके। तो यहां आपके टॉप बॉटम्स में कोई डाउट है आपको, आपको विक्रांत ग्राम जी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब डेटा बार की बात चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि मुझे कंपेयरिंग करना है कि 6650 हाईएस्ट है या इसका क्या पोजीशन क्या है पूरे ओवरऑल में, बात समझे? तो दिक्कत क्या होती है क्योंकि इतनी बड़ी डेटा पे चार्ट लगाना तो मुश्किल होता है कंपेयरिंग करने के लिए ना, तो आपके सामने डेटा बार होता है, एक बार क्रिएट कर देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट या मिडेस्ट या लोएस्ट। ये बार सारे एक ही जैसे है, बस अलग अलग कलर्स है, क्लियर है? अब अगर मैं इसकी अलग से बताऊं आपको मैं किसी और सेल पे, जैसे मान लीजिए कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में लिख दिया। अब देखिए जैसे जैसे मेरा नंबर बढ़ेगा वैसे जैसे मेरा बार भी बढ़ता जाएगा, ओके। तो इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स वगैरह में करते हैं जहां पे हमारे पास डेटा जो है थोड़ा सा लार्ज होता है और उस डेटा के ऊपर हम कंपेयरिंग वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है? उसके से कलर स्केल होता है तो ये सब होम में ही आता है ना, अंडर होम ही है ना ये? हाँ, अब यहाँ पे देखिए कलर स्केल है आपके सामने, तो स्केल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है ना सर? और यहाँ पे आइकन सेट में आइए, यहाँ पे आइकन के जरिए साफ पता चल जाता है कि लोअर मिडल आपको क्या। अब बात होती है कि क्या हम इनको जो डेटा बार है चाहे आइकन से थे क्या इनको एडिट किया जा सकता है? जी हाँ जरूर एडिट किया जा सकता है। चलिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं। हम मान लीजिए कि आपके कंपनी में कोई एक इंटरनल ट्रांसफर के लिए आपके कंपनी में एक टेस्ट हुआ, ओके, और टेस्ट का स्कोर आपको पता चल गया। अब स्कोर आपको बॉस को भेजना है और बॉस को ये भी दिखाना है कि कौन स्कोर में पास हुआ है कौन फेल हुआ है और कौन सा, इसके तीन क्राइटेरिया बॉस ने बोला है। बॉस बोला है आपका कि ग्रेटर देन 60 होगा तो पास होगा, मतलब कि वो इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है उसका, नए जो हमारा प्रमोशन वाले जो
प्रमोशन उसका होना है, हो सकता है। दूसरा जो 40 टू 60 के बीच में है उसको रीटेस्ट, उसको रीटेस्ट इसलिए दिया जा रहा है, हो सकता है कि ऑफिस की वर्कलोड की वजह से उसने एग्जाम की प्रिपरेशन ना कर पाई, पर जो लेस देन 40 है उसको हम फेल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप इसके लिए इफ का फॉर्मूला वगैरह हम लगा सकते हैं, बट हम नहीं, हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से कर देंगे। कैसे? देखिए, कंडीशन पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट में देखिए ए आइकन होता है, वह तो हम ये समझ लेंगे जो टिक का निशान है, राइट का निशान है उसको बोलेंगे पास, जो एक्सन मार्क है उसको बोल देंगे रीटेस्ट, और जो क्रॉस है उसको बोल देंगे फेल, और इसको हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे इस कंडीशन से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या वास्ता, उसने तो अपना डिफॉल्ट परसेंटाइल लगाया होगा, तो मुझे इसको एडिट करके अपनी कंडीशन देनी है। तो कैसे करेंगे? आप अपने अप्लाई की गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एरिए को सिलेक्ट कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे लास्ट ऑप्शन आता है मैनेज रूल्स। क्या आता है? मैनेज रूल्स। इस मैनेज रूल्स पे आप आए, इस पे डबल क्लिक करें, और यहां आपको दिखेगा आइकन सेट। तो यहां पे कंडीशन से परसेंटेज वाला है उसको हटा के आप नंबर डाल दीजिए, और नंबर में मैंने बोला कि 60 से ऊपर, यहां 60 से ऊपर वाले पे लगेगा इसका निशान, और 40 टू 60 वाले के बीच में लगेगा ए निशान बीच वाला, और 40 से नीचे इसकी वाला, यहां पे दिख रहा है सर आपको? ओके, एंड ओके कर दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। अब मेरे सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग हो गया। अब दूसरा दिक्कत आता है कि बॉस को समझाऊंगा कैसे कौन क्या है, तो मैंने यहाँ पे 3-2-1 कर दिया। अब इस 3-2-1 को सिलेक्ट करके इस पे हमने आइकन यूज आइकन लगा दिया, तो बॉस पता चल जाएगा कि हम पास कौन है, रीटेस्ट कौन है और फेल कौन है। अब इसमें नंबर 1-2-3-2-1 आ रहा है, तो कोई पूछ सकता है ये 3-2-1 क्या है? देखिए, हमने 3-2-1 इसलिए लगाया था कि सिंबल आ जाए, क्योंकि बिना वैल्यू के सिंबल तो आएगी नहीं। तो हम मैनेज रूल में वापस जाएंगे और आइकन सेट पे क्लिक करेंगे, और इसको हम शो आइकन्स ओनली पे आएंगे। क्या आएंगे? शो आइकन्स ओनली पे आएंगे, एंड इसको अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं सर, फर्स्ट क्लास, थैंक्स। तो इसका यूज कर सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास हमने जो भी लगाया उसमें हमने अपनी जो भी ये था कंडीशन था हमने टाइप किया, क्या कंडीशन को किसी सेल से लिंक किया जा सकता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे रैम बिटवीन करके कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, कुछ ऐसे ही नंबर रैंडम नंबर लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई यहाँ पे सर्च 50, जैसे कोई यहाँ पे 50 टाइप करे या जो भी मैं यहाँ टाइप करूं, तो यहाँ इसके अंदर हाईलाइट हो जाए। जी हाँ, आप पूरे एरिया को सेलेक्ट करें, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में इक्वल टू गया, अब मैं यहाँ पे 50 लिख दिया तो 50 अलाइट हो गया, 60 लिख दिया 60 अलाइट होगा, लेकिन मैं इस 50-60 को लिंक करना चाहता हूँ B3 से। कोई दिक्कत नहीं, आप B3 पे जाके डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे इक्वल B3 डॉलर साइन के साथ लगा दीजिए, तो आपका इस सेल्स का रिजल्ट इनपुट ले लेगा एज ए कंडीशन। और यहाँ पे मैं 60 देता हूँ और यहाँ पे 70 देता हूँ, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। क्लियर है सर? हम बात करते हैं आप लोगों की डाउट के ऊपर। सबसे पहले डाउट में जो सर से है उनसे बात करता हूँ, और फिर मैं इनके क्या बोलते हैं विक्रांत जी पे आऊंगा। तो विक्रांत जी, आपका क्वेश्चन ये था कि आपको पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट करना, राइट? रो है, सॉरी, रो हाईलाइट करना। और उनका एक सॉर है, उनका सिप्टेन, तो सिप्टेन जी का ये था क्वेश्चन, ये था कि उनको दो से ज्यादा कंडीशन को अप्लाई करना, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा कस्टमर हाईलाइट हो तब, जब मेरा एमआरपी और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन मान लीजिए
ग्रेटर देन 1000 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 हो, राइट सर? हाँ जी जी, हाँ जी बोलिए, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा सकता हूँ, सॉरी। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट के लिए आपको यहां मोर रूल्स या न्यू रूल्स पे आना, न्यू रूल्स पे आप यहां यूज फॉर्मूला पे आए, यूज फॉर्मूला आपने यहां पे बोला कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी इज ग्रेटर देन 1000। और अब इसमें देखिए डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो जो आपके रो के आगे का डॉलर है उसको मैं यहां से हटा देता हूं और फॉर्मेट सेल पे आता हूं और अपनी जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी करना चाहते हैं, कलर को सिलेक्ट करके एंड ओके कर दिया। अब एक सेल हाईलाइट हुआ है, अब फॉर्मेट पेंटर से लीजिए और बाकी सब पे हाईलाइट कर दीजिए, क्लियर है? मैं दिखाता हूं, मैंने न्यू रूल्स में जाके क्या किया हुआ, इसमें इसपे देखिए हमने ये देखिए डॉलर का साइन हटाया है, सिर्फ रो क्या आएगा, कॉलम का आएगा कि नहीं हटाया है, ध्यान रखिए। तो हमने दो सेल्स को मल्टी कंडीशंस लेके इसके ऊपर किया है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे कंडीशन यही है कि अगर एमआरपी और क्वांटिटी दोनों ग्रेटर देन 50 हुआ तो कलर करना है, क्या सर? तो अब दो कंडीशंस देने हैं, तो उसमें हमें यहां इक्वल और फॉर्मूला लगाना होगा कि और हमने बोला एमआरपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और कब, और यहां पे क्वांटिटी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमने यहां भी हमें डॉलर का साइन हटाना होगा, लेकिन हमने और कब लगाया, और तब लगाया जब मुझे भाई हमने बोला कि भाई एमआरपी या क्वांटिटी किसी एक में से भी एक भी अगर ग्रेटर देन 50 है तो हाईलाइट कर, बात समझे? तो ये डॉलर साइन को हटा रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। डॉलर साइन इसलिए हटा रहे हैं कि जो हमने कंडीशन लगाया है H2 के G2 के ऊपर ना, जब इसको सिलेक्शन में क्या सिंगल सेल है, जब मैं फॉर्मेट पेंटर से नीचे जब पेंट करूंगा तो G2, G3, G4, G5 होना चाहिए ना सर। अगर डॉलर साइन लगा देंगे तो G2 के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा ना फिर, तो समझे कि नहीं विक्रांत जी? यस सर, समझ गया। एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके, फिर फॉर्मेट पेंटर लिया और हमने इसको पेंट कर दिया नीचे के ऊपर। अब बोलते नहीं नहीं दोनों होने चाहिए ना, एमआरपी और क्वांटिटी दोनों ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, तो उस केस में आपको एंड के जगह सब कुछ सेम रहेगा, जो आपने और जो लगाया है उसके जगह पे आप एंड लगा दें, ओके एंड अप्लाई एंड ओके। तो आप दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सिप्टेन जी एंड विक्रांत जी, आप दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? हाँ जी, मेरा तो खाली यही था कि अगर वो नाम अगर कंटेनर ए आ रहा है तो पूरी हाईलाइट हो जाए, बस यही था। हाँ, तो आप कंटेनर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप इस, हाँ। जो है अब मैं वही चीज आ रहा हूँ कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाया तो एटीएच जो बाहर आपने देखी है मोस्ट यूजेज है, इसके अलावा भी है, जैसे कि उसके अलावा क्या आ जाइएगा, मोर रूल्स पे। मोर रूल्स में यहाँ देखिए बाहर था ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, है ना सर? बाहर ये सब नहीं था। तो जैसे आपको मान लीजिए कि नॉट बिटवीन देना है तो आपने यहाँ पे कंडीशन दीजिए कि भाई 20 से लेके 60 तक को हाईलाइट कर देना है, नहीं छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट कर देना है, और आपने कंडीशन अप्लाई किया एंड इसको ओके कर दिया, आपका हो जाएगा हाईलाइट, ओके।
उसी तरह से आप यहाँ पे अगर आप डेट ऑकरिंग की बात करें, सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे हाईलाइट रूल्स पे आता हूँ, नो रूल्स पे, यही पे आपको देखिए टेक्स्ट है, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे आते हैं तो कंटेनिंग पे आपने जो बाहर देखा था कंटेनिंग वही है। उसके अलावा यहाँ पे आपका नॉट कंटेनिंग, यहाँ पे आपका बीएनबी, ये आपका एनबी। जैसे आपने बोला ना कि भाई इसका अगर फर्स्ट लेटर ए है, हमारे हमें चाहते हैं कि इसका अगर अमेरिका है तो पूरा अलाइट हो जाए, जैसे आप चाह रहे थे। मैं क्या करूंगा कि इस पे स्टार्टिंग में कर्सर रखूंगा और यहां स्टार्टिंग में कर्सर रखूंगा यहाँ पे न्यू रूल्स, नहीं ऐसा नहीं हुआ, इसके ऐसे नहीं चलेगा सर, इसके लिए फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए करना पड़ेगा न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, समझे, क्योंकि हमें एक अलग है ना, हमारा अप्लाई अलग करना है, कंडीशन अलग है। इसमें आपको देना होगा फाइन फॉर्मूला, और फाइन फॉर्मूला में देना होगा अमेरिका, और हमें सिलेक्ट करना होगा यहाँ रीजन सी एंड कॉमा वन इज ग्रेटर देन जीरो, समझे, और टू को आप हटा दीजिए और यहां आप अपनी कलर अप्लाई कीजिए एंड ओके, और फिर फॉर्म पर पेंटर से पेंट कीजिए, समझे। तो फाइन फॉर्मूला क्या किया, फाइन फॉर्मूला का काम है कि इसके अंदर में जो डालोगे, जैसे मैंने एम डाल दिया, उसको सर्च करता है स्टार्टिंग से, वन इसे देते हैं स्टार्टिंग से, और बताता है तो इसका एक नंबर देगा कि एम टाइप कहां पे, उसका कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट, सेम कैरेक्टर स्टार्ट, जो भी कैरेक्टर स्टार्ट है हो जाए। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यही चीज बताया मैनेज रूल में कि फाइन अगर सी कॉलम के किसी भी सेल में अगर ग्रेटर फाइन का रिजल्ट अगर जीरो से बड़ा है तो क्या करें, पूरी सेल्स को हाईलाइट करें, समझे। पूरी सेल्स वाली कंडीशन कौन सी है, वो पूरा हमको हमने एक सेल पे अप्लाई किया और हमने एक कंडीशन दिया और हमने जो कॉलम है उसको फ्रीज रखा, फिर फॉर्मेट प्रिंटर से पेंट मार दिया, पूरी जहां तक कीजिएगा पूरा करेगा। हाईलाइट तो वही करता है जो सिलेक्टेड है, बट क्या होता है कि उसको हम लोग पेस्ट एज ए फॉर्मेट करते हैं ना, तो फॉर्मेट प्रिंटर जो पेस्ट एज ए फॉर्मेट करता है, तो जहां जहां पेस्ट करते हैं वहां वहां अप्लाई हो जाता है, समझ गए, ठीक है सर, क्लियर है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अब इसमें एक पार्ट आता है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मुझे आपको पहले फॉर्मूला पढ़ाना, अब इसी फाइन का फॉर्मूला, अब पहले आपको पता होगा तभी तो फाइन करता क्या है, क्या सर। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास होगी जो कि हम कराएंगे फॉर्मूले के चैप्टर के बीच में या बाद, ठीक है। अब आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा डाउट है लेकिन वो ऑफिस का, तो आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप